नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्पेशल का ये वक्त है, मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, मोतिहारी से। इस वक्त बड़ी खबर है, पानी के दबाव से सुगौली में बांध टूट गया है। सिकरहना नदी पर बना बांध टूटा है। बांध को बचाने के ग्रामीणों की कोशिश नाकाम हो गई है। करीब 30 फीट बांध ध्वस्त हो गया है पानी के दबाव से। तो सिकरहना नदी पर जो बांध है वो टूट गया है। सिकरहना नदी पर बांध का निर्माण किया गया था और पानी के दबाव की वजह से वो बांध ध्वस्त हो गया है। लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। करीब 30 फीट बांध ध्वस्त हो गया है। मैं उत्तरी सुगा का मुखिया जी बोल रहा हूँ। अभी अभी मुझे जस्ट मालूम हुआ है कि वार्ड नंबर 1 में बांध टूट गया है, जिससे लगभग 400 घर अभी तत्काल प्रभावित होगा। अगर बांध जल्द से जल्द नहीं बांधा गया तो पूरे उत्तरी सुगा प्रभावित हो जाएगा। और अभी अभी हम लोग ने जिला को सूचना दे दिया है, सीओ साहब को भी सूचना दे दिया है और जो भी हम लोग से अभी बन रहा है वह चीज़ कर रहे हैं। और जिला स्तर से यही है कि जल्द से जल्द इस बांध को क्लियर किया जाए। जी मीडिया संवाददाता पंकज जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज, क्या अपडेट इस खबर पर? जी मैं बता दूं कि ये जो बांध जो टूटा है सुगौली में सिकरहना नदी के किनारे गोरी गांव में बना हुआ बांध जमींदारी बांध है, जो कि सिकरहना नदी के तेज दबाव की वजह से टूट गया है। हालांकि जो स्थानीय जो ग्रामीण है वो बांध के कटाव को रोकने का प्रयास किए थे, मरम्मत करने का प्रयास किए, लेकिन पानी के तेज रफ्तार होने की वजह से पानी के बहाव को रोका नहीं जा सका और वो पानी फैल रहा है। और इस बाबत हमारी मोतिहारी के डीएम से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी वहां के सीओ को हमने कह दिया है और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को भी भेज दिया गया है बांध पे, और बांध पे पहुंच करके वो तत्काल उसे मरम्मत करेगा। लेकिन फिलहाल जो सुगौली की जो स्थिति है, सुगौली में कल रात 12 बजे से ही सिकरहना नदी में पानी बढ़ने लगा है और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी, सुगौली थाना हो या सुगौली में कई स्कूल में बाढ़ का पानी फैल गया। उसके बाद लोग बांध टूटने के बाद लोग काफी दहशत में हैं। जो 3-4 पंचायत जो प्रभावित होने वाला है, खासतौर पर वहां के लोग काफी भय में है कि उनका फसल भी बर्बाद होने जा रहा है। जी चलिए ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पानी के दबाव से ये बांध ध्वस्त हो गया है। सिकरहना नदी पर बना ये बांध ध्वस्त हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। करीब 30 फीट बांध ध्वस्त हो गया है पानी के दबाव की वजह से। हालांकि लोगों ने कटाव रोकने की और इस बांध को बचाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन उनकी कोशिश नाकाफी साबित हुई और सिकरहना नदी पर बना बांध ध्वस्त हो गया है, जिससे जो आसपास के इलाके हैं वहां के लोगों की समस्या बढ़ गई है और जो पानी का बहाव है वो भी तेज होता जा रहा है।